वर्ल्ड ह्यूमन राइट्स डे के अवसर पर सम्मानित किए गए महानुभावों ने और आयोजकों ने समाज से जुड़े कई पहलुओं पर बातचीत की है। आइए डालते एक नजर। पूरे भारत वर्ष में वर्ल्ड ह्यूमन राइट्स डे के अवसर पर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया है। इसी श्रृंखला में संतरा नगरी के सुरेश भट्ट सभागृह में ग्लोबल वेलफेयर एसोसिएशन की ओर से विभिन्न क्षेत्र में प्रशंसनीय काम करने वाले व्यक्तियों का सम्मान किया गया। मौके पर तमाम सम्मानित व्यक्ति और आयोजकों ने इनबीसीएन के समक्ष जानकारी दी। कहते हैं कि नागपुर शहरी कलाकारों की खान है, जिस प्रकार से खिलाड़ियों की खान है उस प्रकार से कलाकारों की भी खान है। और नागपुर शहर में इतने बड़ी बड़ी पर्सनैलिटी है कि हम सोच भी नहीं सकते, जो अब अपने कार्य से हर एक क्षेत्र में अपना नाम उन्होंने ऊंचा किया है। और उसी उन्हीं के सम्मान में आज इस परिषद की ओर से ये तमाम जो पर्सनैलिटी है ऐसे लोगों को यहाँ पे नवाजा जाने वाला है, उनका सम्मान किया जाने वाला है, ये सबसे अच्छी बात है। आइए हम सीधा रुक करने चाहेंगे इस कार्यक्रम के संयोजक सर हमारे साथ में हैं, उनसे जानना चाहेंगे। सर ये बताइए कि ये कार्यक्रम लेने के पीछे का उद्देश्य क्या है? ये जो है हम मानव दिवस यहाँ पर मना रहे हैं और मानवता के लिए हमने जो कार्य किया है और मानवता के लिए हम कार्य करते रहेंगे, और उसी उद्देश्य से आज जो है पूरे विश्व में ये वर्ल्ड ह्यूमन राइट्स डे मनाया जा रहा है। और ये पहला साल है जो हम यहाँ पर ह्यूमन राइट्स डे मना रहे हैं। बड़ी तादाद में, मतलब हमारे साथ में काफ़ी लोग हैं और हमारे साथ में काफ़ी बड़ी सेलिब्रिटीज़ है, एवं यहाँ नागपुर से जो 20 से 22 ऐसे लोग हैं जिनको हम अवार्ड से नवाजेंगे। अभी जो हमारे साथ में दीपक कदम जी जो एक फिल्म डायरेक्टर हैं, विकास महाजन जी जो एक्टर्स एंड डायरेक्टर्स हैं, तो ये हमारे साथ में जो आज मुंबई से स्पेशली हमारे लिए गेस्ट करके ये लोग आए हुए हैं। और हम आगे जो हर वर्ष इस कार्यक्रम को करते रहेंगे। ये पहला वर्ष है जो कि मानवता दिवस को मनाया जा रहा है, वो भी बड़े तादाद में, बड़े बड़े पैमाने पर। बिल्कुल, शुरुआत तो इन्होंने कर दी। और जैसे कि आप थोड़ा सा प्लान करके यहाँ बताइए कि ये वही शहर के तमाम ऐसी पर्सनैलिटी है जिनका यहाँ पे सम्मान हो गया है, ऐसा मैं समझता हूँ। और ये तमाम लोग, आइए उनसे भी बात करते। सबसे पहले फिल्मों को लेकर काफ़ी चर्चाएँ होती है, ऐसा कहा जाता है कि नागपुर के जो कलाकार होते हैं उन्हें मात्र एक प्यून या ऐसे हल्के दर्जे का कैरेक्टर दिया जाता है, इसमें कितनी सच्चाई है? जहाँ चाटपट्टी जो प्रोग्राम जो ग्रामीण इलाकों में होते हैं, क्या वे लोगों को न्याय मिलता है भी नहीं? ये तमाम बातें इनसे भी करेंगे। साहब ये बताइए कैसा लग रहा है आज ये सम्मान पाकर? बहुत बढ़िया लग रहा है मुझे, क्योंकि नागपुर से वैसे तो मेरा बहुत पुराना नाता है, नागपुर में आना जाना होता ही है। ये जो प्रोग्राम अजय जी है और हमारे ये साहब जी है, खान साहब जी है, इन्होंने जो ये किए अरेंज किए, ऐसे प्रोग्राम बेसिकली होने चाहिए। ये प्रोग्राम में होता क्या है कि ऐसे प्रोग्राम में बहुत सारी नए नए टैलेंट उभर के आते हैं, और समझो जिसी को जिस पर्सनालिटी को हम नवाजते हैं उनको पुरस्कार दिया जाता है, उनको एक अंदर से उनका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, तो ऐसे प्रोग्राम होने चाहिए। और दूसरी बात यह है कि अब फिल्मों की बातें चल रही है या एक्टिंग की बातें चल रही है, नागपुर ऐसा शहर है जहाँ से जिस शहर ने आज तक जो ड्रामा, जिसको नाट्य चळवळ बोलते हैं हम लोग मराठी में, एक्टिविटीज़, नाट्य ड्रामा एक्टिविटीज़ जो है वो जिंदा रखी है नागपुर की झाड़ीपट्टी ने। नागपुर के आजू बाजू के जो गांव है, कस्बे है, वहाँ से जो ड्रामा होते हैं, ये देखने लायक ड्रामा होते हैं। मैंने देखा है कि ये ड्रामा जो है, बड़े बड़े ड्रामा जो है, तो मतलब मुंबई पुणे या जो कमर्शियल ड्रामा लोग करते हैं उससे भी ज़्यादा लोग यहाँ पे 2,000-3,000 लोग एक साथ ड्रामा देखते और वो एंजॉय करते, पूरे रात ड्रामा चलते। ये जो कलाकार है, ये कलाकारों को एक प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए नागपुर में, क्योंकि क्या होता है कि 3 महीना ये लोग यहाँ पे काम करते, बाकी के जो 9 महीने रहेंगे वो इनको यहाँ पे मतलब बाकी एक्टिविटीज करनी पड़ती है। बिल्कुल बिल्कुल, जिस प्रकार से इन्होंने कहा कि नागपुर में भी इस तरह की कुछ पहल होना चाहिए ताकि यहाँ के जो कलाकार है अपनी कला को अच्छे से वे पेश कर सकें। सर आप बताइए आपका समन्वय कैसा लग रहा है? मैं सतीश लोनारे, भ्रष्टाचार का सामना का कार्यकारी संपादक। आज का ये वुमेन राइट्स डे हम लोग नागपुर में बड़े धूम से मनाने का काम इसलिए कर रहे हैं कि आने वाली नागपुर के ग्रामीण से लेकर तो सारी जनता को उनके मानव अधिकारों का पता चले और उनका एक प्लेटफॉर्म जो कलाकारों को भी यहाँ से मिल सके, ये दोनों बातों को लेकर हम लोग आज यहाँ से चले हुए हैं। आज जो मानव अधिकार का जो कार्यक्रम यहाँ पर अरेंज हुआ है नागपुर में, ये कार्यक्रम देख कर बड़ा गर्व महसूस हो रहा है कि नागपुर में पहली बार कोई अच्छा काम हो रहा है, और ऐसा कार्य हमेशा चलता रहेगा।
हाँ सही बात है ये भी। हाँ मैं यही कहना चाहूँ कि नागपुर के जो भी कलाकार है उनको एक स्टेट मिलना चाहिए यहाँ पे। स्टेट झाड़पट्टी के जो कलाकार है जिनके लिए यहाँ पे है नहीं, जिनको बम्बई जाना पड़ता है, इसलिए मैं भी ये कहना चाहता हूँ कि नागपुर में भी एक ऐसी फिल्मी सिटी बने जो अपने कलाकारों को अच्छे से ये स्टेट मिले। आपको कौन से क्षेत्र के लिए दिया जा रहा है? मैं केस वी के एक भ्रष्टाचार का सामना का एक रिपोर्टर हूँ और भ्रष्टाचार का सामना एक झाड़ी पट्टी के जो कलाकार होते हैं उनको कैसा उभर कर आना चाहिए, उनको एक चालना मिलेगी और आगे एक कैसी फिल्म सिटी नागपुर डिवीजन से निर्माण होना चाहिए, एक झाड़ी पट्टी के लोगों को एक बहुत बड़ा उत्थान मिलेगा, इतने कहना चाहूँगा मैं केस। बिल्कुल बिल्कुल, जिस प्रकार से ये बार बार जो मांग उठी जा रही कि झाड़ी पट्टी हो या ग्रामीण इलाके के जो कलाकार उनको न्याय मिलना चाहिए, आपको क्या लगता है आपको कौन से क्षेत्र के लिए नवाजा गया है? बेसिकली मैं एक्टिंग फील्ड से हूँ, मेरा नाम विकास महाजन है। मैं पहले भी यहाँ पे आया था तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि यहाँ के लोग जो है वो एक्टर को या एक्टिंग फील्ड को इतनी वैल्यू देते हैं। जैसे कि दीपक सर ने बताया कि यहाँ पे ऐसे कलाकार है जो एक्टिंग मध्ये मुरलेले आहेत, तर मला खूप छान वाटतं इथे आल्यावरती। तो फील येतो मला की मी सुद्धा कलाकारांच्या मध्येच आहे। आणि खान सरांनी जो आयोजन केलेला आहे याचा एक इव्हेंट आहे हा मॉडेल हंट, तो खूप छान आहे। म्हणजे तो नवीन नवीन कलाकारांना प्रेरणा देणारा हा हंट आहे। बिल्कुल, जिस प्रकार से इन्होंने कहा कि ये जो इंस्पिरेशन मिलता है इससे काफी अच्छा बढ़ावा मिलता है। इस समय में मेश्राम साहब हमारे साथ में है जो कि पत्रकारिता में कई वर्षों से इनका कामकाज रहा है। सर आज ये पुरस्कार पाके कैसा महसूस कर रहे हो आप? सर सबसे पहले मैं ये बोलना चाहूँगा कि मैं पुरस्कार नहीं, एक्चुअली प्रोग्राम ही हमारा है। ग्लोबल वेलफेयर एसोसिएशन के माध्यम से ये प्रोग्राम लिया जा रहा है, उसमें हमारी जो पार्टनर है रजी खान है जो भ्रष्टाचार का सामना के मुख्य प्रधान संपादक हैं। ये प्रोग्राम हम लोगों ने मिल के अरेंज किया है और इसमें जो है आने वाले जनता को एक संदेश देने के लिए प्रोग्राम लिया जा रहा है। ये मानवता के लिए लिया जा रहा है, सर्वधर्म समानता के लिए ये प्रोग्राम लिया जा रहा है। जी आप बताइए तन्हा साहब, आप एक कविवर्य हो, कैसा लग रहा है आज? अच्छा लग रहा है कि इंसानियत के जज्बे को कहीं ना कहीं आप आधार दे रहे हो, उनको उठाने का कहीं ना कहीं जुम्मा आपने जो उठाया उसके लिए आपको बधाई दे रहा हूँ। मानवता दिवस के कई कार्यक्रम मैंने आज तक किए हैं, उसमें भी शिरकत की है, मगर पहली बार पुरस्कार का कार्यक्रम नागपुर में आप कर रहे हैं उसके लिए मैं आपको बधाई देता हूँ। दबी कुचले कई कलाकारों को उठाने का कई लोगों ने साहस किया है, जिम्मा उठाया, मगर आपके संगठन के माध्यम से वो भी आज विश्व मानवता दिवस पर जो आप एक नया कारनामा कर रहे हो और कलाकारों को उठाने का एक मानस व्यक्त कर रहे हो, ये बहुत बड़ा कहीं ना कहीं नागपुर के लिए एक गौरव की बात है। और जो पुरस्कार आपने नाम रखा है भारत गौरव पुरस्कार, वो आज तक किसी माइकल लाल ने हमको दिया नहीं है, आपके माध्यम से हमको मिल रहा है, उसके लिए मैं खान साहब का आपके सारे साथियों का अभिनंदन कर रहा हूँ। और ये प्रथा जो आप पहली बार यहाँ से शहर से चालू कर रहे हो आज सुरेश भट्ट सभागृह से, ये आने वाले सालों में भी कहीं ना कहीं ये इसका पोपकंडा बड़े पैमाने पर होता रहे। और से कलाकारों का हित अगर आप साधते हो तो मैं तन्हा नागपुर इतना ही कहूँगा कि जमाने को अगर बढ़ाना है तो तरक्की करके देख, हमारी तरक्की तो सिर्फ आपसे शायद चालू हो रही है, आपसे ही आगे बढ़ रही है, तो कहीं ना कहीं हम तरक्की के सोपान को आगे बढ़ाने के लिए आपसे जुड़े हुए हैं। धन्यवाद। तो दर्शकों हमने देखा और सुना कि किस प्रकार से आज यह कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और नागपुर शहर की जो बड़ी बड़ी पर्सनैलिटी है उनको सम्मान से नवाजा गया है। ये जो लोग यहाँ पे आए हुए यह अपने आप में एक बहुत बड़े व्यक्तित्व है और इनके बारे में यही सब कहना चाहते हैं कि यूं ही कभी किसी की तारीफ नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कोशिश हमारी हमेशा जारी होना चाहिए, एक एक कदम बढ़ाना चाहिए। तरक्की की यदि सीढ़ी चढ़ना हो तो हमें सबसे पहले करना होगा वो है कोशिश, तब कई इस प्रकार के सम्मान पुरस्कार से हमें भी नवाजा जा सकता है। नागपुर के सूरज भट्ट सभागृह से कैमरा पर्सन सुभाष के साथ संजय मिरे, इनबीसीएन न्यूज नागपुर।